सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा लेक्चर फोर्स एंड प्रेशर। तो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर लिए थे न्यूटन फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्सिया के बारे में। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेंगे कि लॉ ऑफ इनर्सिया के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, है ना। एंड देन उसके आगे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। एंड होपफुली कि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। आपके बुक में शायद ये अवेलेबल नहीं हो, पर ये इम्पोर्टेंट है और ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आसान सा है, सिंपल सा है टॉपिक, ध्यान से सुनिएगा तो समझ जाइए, ठीक है। सो करते हैं क्विक रिवीजन। और हाँ, हम लोग बात कर रहे थे जंक फाइल के बारे में। तो जंक फाइल मैंने बताया कि जो आप दिन भर घूमते फिरते हो, इधर उधर चीजों को देखते हो, देखो हमारा जो ब्रेन है ये दो तरीके से काम करता है। एक हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्शियस ब्रेन, और एक होता है नॉन कॉन्शियस अनकॉन्शियस। तो कॉन्शियस ब्रेन वो होता है जिसे हम ध्यान से देखते हैं, जिसके बारे में आप देखते हो उसके बारे में सोचते हो, दैट गोज टू योर कॉन्शियस ब्रेन। और जिसको आप नॉर्मली देखते हो, देख करके छोड़ देते हो, दैट गोज टू अनकॉन्शियस ब्रेन, है ना। तो ये अनकॉन्शियस ब्रेन में ही जंक फाइल हो जाते हैं सारे के सारे। जब आप पढ़ने बैठते हो तो ऑल ऑफ अ सडन कुछ दोस्तों ने कुछ जोक मारा होगा वो याद आ जाएगा, किसी से झगड़ा करके आओगे तो वो याद आ जाएगा, तो ब्ला 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 बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको याद आने लगता है पढ़ाई के समय, है ना। क्योंकि पढ़ाई के समय शांत बैठते हो ना एकदम चुपचाप, किताब कॉपी लेके सामने, मम्मी पापा डंडा लेके तो पढ़ाई करने का उस समय आपके पास प्रेशर रहता है, उस समय दिमाग में सब कुछ आता है। वैसे ही मोबाइल में भी जंक फाइल होता है, मोबाइल हैंग करने लगता है, इसका मतलब बहुत सारा एप्लीकेशन आपके मोबाइल में पीछे चल रहा है, आप उसको डिलीट करिए, सिंगल एप्लीकेशन स्टार्ट करिए तो आपका मोबाइल अच्छे से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने जंक फाइल को कैसे डिलीट कर सकते हैं? यू कैन डिलीट योर जंक फाइल जस्ट बाय टेकिंग अ नैप। नैप मतलब एक झपकी ले लीजिए, छोटा सा थोड़े देर के लिए सो लीजिए और जगिए, तो आप देखोगे कि आपका जो ब्रेन है एकदम फ्रेश लगेगा। ट्राई करिएगा थोड़ा देर सो करके और फिर पढ़ाई करिएगा, पर सोए नहीं रह जाइएगा। ऐसा नहीं कि सर बोले थे सोने के लिए तो चलो सोते हैं, ये वाला तो चीज याद रहता है, सर बोले थे तुरंत जगने के लिए वो याद नहीं रहता है ना। तो जल्दी सोइएगा, तुरंत आपको जग के और पढ़ाई भी करना है। दोपहर में सो के देख लीजिए, दोपहर में 10 मिनट सोइए, 15 मिनट सोइए, आधे घंटे सोइए, सो के उठिए, वापस से पढ़ाई करने बैठिए, यू विल सी कि आपके ब्रेन का जंक फाइल डिलीटेड है और जो आप उस समय पढ़ेंगे वो आपको ज्यादा अच्छे से याद होगा। आई डिड इट, मैंने किया है और मुझे कहीं प्रॉब्लम नहीं आया, अच्छे से याद होगा। तो कोई बात नहीं, ट्राई करिएगा जरूर। आते हैं अपने टॉपिक पर एक क्विक रिवीजन के साथ। रिवीजन कर लेते हैं अबाउट द प्रीवियस टॉपिक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, हम लोग पढ़ लिया था न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता था कि अ बॉडी विल मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, अ बॉडी विल मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एंड अंटिल नेट अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, नेट अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक बॉडी रेस्ट पर है और इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, बॉडी रेस्ट पर है, सो कंक्लूजन क्या होगा? एज पर न्यूटन फर्स्ट लॉ बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट बिकॉज नेट फोर्स इज जीरो, बिकॉज नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स इज जीरो,
ठीक है। हाँ, बॉडी का पोजीशन चेंज हो जाएगा जब इस पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा तब। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे कि यही ब्लॉक इस पर एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का और दूसरा फोर्स लग रहा है इधर से कुछ 8 न्यूटन का, बॉडी रेस्ट में था इनिशियली, रेस्ट, सो बॉडी विल स्टार्ट मूविंग, बॉडी विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट ड्यू टू नेट अनबैलेंस्ड फोर्स towards left, ठीक है। तो यहां पर बॉडी जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। क्यों मूव करना स्टार्ट कर देगा? बिकॉज यहां पर लेफ्ट साइड में एक नेट अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, और वो नेट अनबैलेंस्ड फोर्स कितना होगा? लगभग ये 2 न्यूटन के बराबर है। आप निकाल सकते हो, आपको निकालने आता है, ये है कर्व, करेक्ट। चलिए, तो ये था न्यूटन का कौन सा? फर्स्ट लॉ। दिस इज कॉल्ड एज न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन के फर्स्ट लॉ से ही आ जाता है लॉ ऑफ इनर्सिया भी निकल के आता है ना। तो लॉ ऑफ इनर्सिया is also explained by Newton's first law, explained by Newton's first मैंने पहला law मतलब नियम, Newton मैंने Newton, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्सिया क्या कहता है? लॉ ऑफ इनर्सिया ये कहता है कि बॉडी अपने स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन रखेगा जब तक कि इस पर बाहरी फोर्स नहीं लगता। तो अगर मैं बात करूं लॉ ऑफ इनर्सिया के बारे में, तो आप लॉ ऑफ इनर्सिया को वैसे ही लिखिए जैसे कि हम लोग फर्स्ट लॉ के बारे में लिखे थे, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्सिया कह लीजिए या आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ कह लीजिए, सब लगभग एक ही के बराबर। रुपेश आज नहीं आया है, शिवम और सचिन सब लोग ठीक है, ओके। चलिए, सो लॉ ऑफ इनर्सिया को भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे, कि बॉडी विल मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, है ना। बॉडी विल मेंटेन its state of motion unless and until unbalanced external force applied on it. Unbalanced external force applied on it. ठीक है। इनर्सिया में भी क्या करता है कि बॉडी अपने पोजीशन को, अपने स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करने की कोशिश करता है, यही है इनर्सिया। इनर्सिया का दूसरा नाम भी मास भी है, कोई कोई मास को इनर्सिया कहता है ना। हिंदी में इनर्सिया का मतलब होता है जड़त्व, है ना, जड़त्व का नियम कहते हैं इसको। सो दिस इज मास। क्या चीज बोलते हैं सर हिंदी में? हिंदी में इसको कहते हैं जड़त्व।
मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, होपफुली कि मैं ठीक लिखूंगा, जड़त्व है ना। तो जड़त्व का नियम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, और ये मास जो हमारा मास है इसके वजह से ही आता है। इनर्शिया किसके वजह से आता है? मास के वजह से आता है। तो अगर मैं प्योरली बोलूं कि व्हाट इज इनर्शिया, तो इनर्शिया का मतलब हो जाता है, इनर्शिया कैन बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी बाय विच द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय विच इट अपोजेज द चेंजेज द प्रॉपर्टी बाय विच द प्रॉपर्टी बाय विच ए सब्सटेंस या ए मैटर या ए मास अपोजेस द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, अपोजेस द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया अलग है, इनर्शिया को हम लोग अलग से डिफाइन करते हैं। क्या इनर्शिया का कोई यूनिट होता है? बिल्कुल नहीं, इनर्शिया का कोई यूनिट नहीं होता है। इनर्शिया हम लोग क्या कैसे लिखते हैं, कैसे मेजर करते हैं, इनर्शिया का मतलब ही हो गया मास, है ना। तो आप मास कहिए, उसका इनर्शिया कहिए, बात एक ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जिसका जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। कल हमने एक एग्जांपल के तौर पर इसको बताया भी था कि अगर आपके पास एक वाटर बोतल है, एक गैस सिलेंडर है और एक गाड़ी है, आपके पास व्हीकल है, कार है, इन तीनों में से किसको मूव कराना, किसको उसके एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर मूव कराना आसान होगा, तो आप सबने बताया था कि वाटर बोतल को हम लोग इजिली उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं, या उसको स्लाइड कर सकते हैं, घसीट सकते हैं, उसको खींच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वाटर बोतल को, क्योंकि वो हल्का है ना। वही अगर एक गैस सिलेंडर की बात करें तो गैस सिलेंडर को भी हम लोग धकेल करके उसको घुमा सकते हैं, धक्का दे करके, है ना। अगर थोड़ा मजबूत है, स्ट्रांग है, तो उसको उठा भी सकते हैं कंधे पर रख करके, और हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जा भी सकते हैं। पर बोतल से थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि उसका मास थोड़ा ज्यादा है। लेकिन अगर वहीं पर अगर हम लोग बात करें कार के लिए, तो शायद हमारे जैसा एक आदमी, एक अकेला आदमी कार को हिला भी ना पाए, है ना, कार को मूव ना करा पाए। उठा करके लेके जाना तो बहुत दूर की बात है, बिकॉज उसका मास ज्यादा है, उसका इनर्शिया ज्यादा है। जिसका ज्यादा मास उसका उतना ही ज्यादा इनर्शिया, इनर्शिया और मास दोनों लगभग एक ही है। इनर्शिया को टोटल हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इनर्शिया। और इनर्शिया का तीन पार्ट कौन कौन सा है? इनर्शिया का तीन पार्ट है, कौन बताएगा सर? हम हाँ बताओ सर, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, उसके सर इनर्शिया ऑफ रेस्ट, उसके बाद इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हाँ ऋषभ बोलो, ऋषभ बोलो, कुछ बोल रहे थे क्या सर? बोले तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, उसके बाद डायरेक्शन है लास्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। म्यूट क्यों नहीं होता है ऋषभ? म्यूट कर लिया करो यार, अगर नहीं बोल पा रहे हो तो, है ना, अगर बोलने के बाद खुद को म्यूट कर लिया करो। चलिए, सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट पहला जो हो गया, इसको हम लोग कहेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया ऋषभ, समझ गया, समझ गया, वो तुम्हारा वॉइस क्लियर नहीं है, बस रहने दो। इनर्शिया ऑफ रेस्ट है ना, और इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब हो जाता है
कि एक बॉडी अपने पोजीशन पर अपने जगह पर हमेशा रेस्ट में ही रहेगा, ये वहां से तब तक नहीं हटेगा, तब तक हिलेगा डुलेगा नहीं जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा दिया जाए। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या हो गया कि इट विल मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इट विल मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, और कह सकते हो इट विल अपोज टू दोज who wants to bring it into motion, है ना। तो ये क्या करेगा, उसको अपोज करेगा उसका जो कोई इसको मोशन में लाने की कोशिश करेगा। ये हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसके बाद एक हो जाता था इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना। इसका एग्जांपल क्या था, बेस्ट एग्जांपल आप क्या ले सकते हो, एनी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, है ना, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। एनी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है अस्थिर है उसका हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट विल बी द इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। और इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब क्या हो गया, अ बॉडी वांट्स टू बी इन मोशन और ट्राइज टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। द बॉडी ट्राइज टू मेंटेन its state of motion unless and until external force applied on it. External unbalanced force applied on it. Applied on it. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो अभी तक चल रहा है और आगे भी चलेगा, है ना, रोटेशन ऑफ अर्थ, है ना, रिवोल्यूशन मतलब हो जाता है चक्कर लगाना, रिवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। ये सारे एग्जाम्पल है आपके इनर्शिया ऑफ मोशन, जिसके वजह से ये स्टार्टिंग में ही, बहुत बिगनिंग में ही ये मोशन में आ गए थे और जो आज तक मोशन में है ये हमेशा मोशन में ही रहेंगे, है ना। तो ये एक इनर्शिया ऑफ मोशन है। और तीसरा जो था जिसको हम लोग कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन,
इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ये तीसरा है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक बॉडी अपने जो वे ऑफ डायरेक्शन का ये इसको चेंज नहीं करना चाहता है ना, दैट इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हो गया कि बॉडी tries to maintain its direction of motion है ना। और इसके लिए जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो था वो था हमारा रिमूविंग डस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो रिमूविंग डस्ट फ्रॉम क्लोथ्स। क्या आप लोगों ने वीडियो देखा था कल का? सब वीडियो सारे अपलोडेड है आपके ग्रुप पर, नोट्स भी अपलोड कर दिया जाता है, आप लोग देखते हो? यस सर, वीडियो नहीं देख पाए। ओके, नहीं तो वीडियो जो अपलोडेड है जिनका छूट गया था या जो क्या जो रिवीजन भी करना चाहते हैं तो आप जा करके हमारे YouTube चैनल से देख सकते हैं, ठीक है। YouTube चैनल वैसे भी आप सर्च करेंगे आचार्य क्लासेज बेगूसराय तो आपको आ जाएगा, आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। या अगर कोई भी आप वीडियो अगर वैसे आप सब्सक्राइब कर देते हो तो कोई भी वीडियो जो अपलोड होगा तो ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप YouTube खोलते या YouTube पे नोटिफिकेशन आ जाता है। तो सब्सक्राइब बेगूसराय के नाम से करते हैं आचार्य क्लासेस तो नहीं आता है। ओके ग्रेट। सो ये था हमारा अभी तक का रिवीजन। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के टॉपिक पर एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो स्टार्ट करते हैं, श्री गणेश करते हैं नया टॉपिक का और उसका नाम है क्या? न्यूटन सेकेंड लॉ। चलिए नामकरण हो गया है पहले से ही, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। देखिए न्यूटन्स सेकेंड लॉ में कुछ टर्म्स ऐसे आएंगे जो आप पहले बस सिर्फ थोड़ा सा जानते हो, सुने हो। एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग सुने हैं, है ना, कैलकुलेट भी किया था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में आया? तो ये कुछ वहीं से रिलेटेड ये सेकेंड लॉ कहता है ना। कुछ चीज ऐसे आएगा जो कि आप नहीं जानते हो तो वो बस आप सुन लीजिएगा ध्यान से, फिर मैं बताऊंगा कि वो क्या होता है ना। सो डोंट बी पैनिक, ये क्या हो गया, क्या बोल दिए, अरे बाप रे, तो ऐसा छाती मत पीटने लगना कि ये भगवान क्या हो गया, क्या हो गया। थोड़ा इंतजार करना, मैं बताऊंगा वो भी, है ना। पहले आप देख लीजिए कि हम बेसिकली न्यूटन का सेकेंड लॉ है क्या, करना क्या है न्यूटन का सेकेंड लॉ। चलिए करते हैं शुरू। जय हो गुरु। देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट, पहले तो लिखेंगे कैसे इसको, वो ऐसा है, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन का दूसरा नियम सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट, स्टेट मतलब होता है कहना, स्टेट्स मतलब कहता है, स्टेट्स दैट कहता यह है कि द नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, अप्लाइड मतलब लगाना, अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। शांति बनाए रखे, मैं हर एक टर्म को समझाऊंगा, इसका एक एक टर्म क्या कहता है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। न्यूटन सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट द नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट या अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ध्यान से सुनिएगा, दोनों कान खोल करके, सारा ध्यान इधर, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें हम लोग सिक्स में जानते थे, आप लोग एट में आ गए हो तो ये आपकी जाननी जरूरी है। फॉर द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी न्यूटन का सेकेंड लॉ जानना बहुत जरूरी है। फिर से मैं पढ़ता हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन का दूसरा नियम, स्टेट्स दैट, कहता है नेट एक्सटर्नल फोर्स। हम लोग एक्सटर्नल फोर्स के बारे में पहले जान लेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स किसे को कहते हैं। नेट मतलब तो जान गए हो, किसे सबको मिला करके जो फाइनल बनेगा दैट विल बी द नेट वैल्यू। एक्सटर्नल फोर्स किसको कहेंगे हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सटर्नल फोर्स क्या है। हाँ जी, बाहरी बल। हाँ, बाहर बाह्य बल। हाँ, एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स से मतलब क्या है, व्हाई डू वी नीड दिस वर्ड, बाह्य फोर्स क्यों हमें चाहिए। आप लोग देखे होंगे कि किसी भी गाड़ी के अंदर, मान लीजिए कि आपको गाड़ी को धक्का देना है, तो गाड़ी को धक्का देना है तो आप गाड़ी से उतर के धक्का देंगे ना, बाहर से धक्का देंगे कि गाड़ी के अंदर बैठ करके और गाड़ी को आप धक्का देंगे तो क्या गाड़ी मूव करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, है ना। गाड़ी के बाहर से जा करके जब आप धक्का देंगे तो गाड़ी मूव करेगा, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फोर्स। उसको हम लोग कहते हैं क्या, उसी को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स, है ना। द फोर्स अप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ बॉडी, फोर्स अप्लाइड from outside the boundary of body is called external force। इसको हम लोग बाहरी फोर्स कहते हैं। ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। फिगर से हम लोग समझते हैं, फिगर से इसका मतलब क्या हो गया। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक बॉडी हो गया ऐसा, और इस बॉडी को आपने फोर्स लगाना है, इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाना है, है ना। तो हमने दो फोर्स लगाया, एक फोर्स लगाया इधर से बाहर से, और एक फोर्स लगा दिया इधर से, ये भी एक लगा दिया, ये भी एक बाहर से, है ना। और आपने दो फोर्स लगा दिए अंदर से, देखो इसके जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे ये सारे फोर्स लगा रहे होंगे ऐसा, ये सारे फोर्स लगा रहे होंगे इधर के तरफ, ये कुछ फोर्स लगा दिया ऐसा, ये एक फोर्स लगा दिया ऐसा, है ना। तो ये जो येलो कलर का दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल फोर्स। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये बाउंड्री के अंदर है ना, दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल फोर्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल फोर्स। जबकि ये फोर्स देखिए जो ब्लू कलर का बना हुआ है, ये बाउंड्री के बाहर से लग रहा है, ये बाउंड्री के बाहर से लग रहा है। आपका बाउंड्री कौन सा है, देखिए आपका बाउंड्री है ये, आप ये बाउंड्री को समझिए, ये ऑब्जेक्ट का बाउंड्री है। अगर इससे फोर्स बाहर है
अगर इससे फोर्स बाहर है तो इसको हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल फोर्स, अगर इस बाउंड्री के फोर्स अंदर है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे इंटरनल फोर्स। तो जो आपका ये जो बाहर का जो फोर्स है, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, ये दोनों फोर्स ये क्या हो गया, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, दिस इज ऑल्सो एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज ऑल्सो एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य फोर्स जो कह लीजिए, ये एक बाहरी फोर्स है, बाहर से आया। आई होप कि यहां तक समझ में आ गया होगा, क्या एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स में कोई डाउट है। देखो हर एक ऑब्जेक्ट जो अर्थ पर है, सब जगह हवा है, कुछ नहीं है तो हवा तो जरूर है ना, और हवा के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, जो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, वो अपने दीवाल पर अगल बगल सब जगह प्रेशर लगाते हैं, सब जगह फोर्स लगाते हैं, वो सब के सब क्या है, इंटरनल फोर्स है। उसके वजह से कभी देखे हो कि एक डब्बा ऐसे रखा हुआ है, अचानक से अपने आप चलने लगा अपने आप उड़ने लगा, अपने आप बाएं साइड में चला गया। अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो डब्बे के अंदर के जो हवा है, हवा का जो मॉलिक्यूल्स है, उस डब्बे को या तो बाएं या तो दाहिने, ऐसा लगता है जैसे भूत घूम रहा है चारों तरफ, अपने आप घूम रहा है, हैं? फिर अगले दिन तो आधा लोग ऐसे ही बेहोश हो जाते हैं, अरे बाप रे, चीनी का डब्बा मेरा उठ के किचन से चल गया सामने वाला रूम, बस हो गया, बवाल हो जाता। तो ऐसा नहीं है, इंटरनल फोर्स लगाने के वजह से कोई भी मोशन में बदलाव नहीं होता है, इसलिए न्यूटन ने एक्सटर्नल फोर्स को बहुत ही केयरफुली डिफाइन किया था। या ये आपके लिए भी बहुत जरूरी है कि हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स के बारे में, इंटरनल फोर्स से हमें कोई मतलब नहीं। एक गाड़ी के अंदर 50 लोग बैठ करके भी उसको धक्का लगाएंगे ना तो गाड़ी मूव नहीं करेगी, है ना। गाड़ी को अगर मूव कराना है तो वो 50 लोग गाड़ी से बाहर उतर के और धक्का लगाए, देखिए गाड़ी काफी स्पीड में मूव करेगा, है ना, जल्दी मूव करेगा। तो ये है एक्सटर्नल फोर्स और ये होता है इंटरनल फोर्स। जो दूसरा पॉइंट है जो इस डिफिनेशन में इस्तेमाल किया है कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, बॉडी मतलब कोई भी जनरल ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो गया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, व्हाट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो जाता है। ये वर्ड आपको जिंदगी भर सुनने का मिलेगा, इसलिए ये आप ध्यान से समझ लीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शन दो चीज होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट योर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मोमेंटम, यही बोला गया ना। मोमेंटम क्या है वो मैं समझाता हूं, लेकिन अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मोमेंटम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मोमेंटम है, इसका मतलब ये हो जाता है, इट मीन्स इसका मतलब ये है कि इफ वी इंक्रीज, इफ वी इंक्रीज फोर्स, इफ वी इंक्रीज फोर्स मोमेंटम विल ऑल्सो इंक्रीज, मोमेंटम विल ऑल्सो इंक्रीज, ऑल्सो इंक्रीज। जैसे चाय में हम लोग चीनी डालते हैं ना, या दूध पीने से पहले चीनी डालते हैं, तो उसमें जितना चम्मच आप चीनी डालिएगा उतना वो मीठा होते जाएगा, है ना। सब्जी में जितना नमक डालिएगा उतना वो नमकीन होते जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो मिठास है, जो स्वीटनेस है उसका, जो मिठाई है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू अमाउंट ऑफ शुगर है। जितना आप चीनी डालेंगे उतना ज्यादा मीठा लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्टली प्रोपोर्शन।
चीनी बढ़ा मीठा बढ़ा, चीनी घटा मीठा घटा, चीनी बढ़ा मीठा बढ़ा, चीनी घटा मीठा घटा, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो वही कह रहा है यहां पर भी कि अगर आप फोर्स को बढ़ाइएगा तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, मोमेंटम विल आल्सो इंक्रीज, दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्टली प्रोपोर्शन। इसके रिवर्स भी हम लोग कह सकते हैं, रिवर्स में क्या कर सकते हैं कि इफ इफ फोर्स डिक्रीज, इफ फोर्स डिक्रीज, इफ फोर्स डिक्रीज मोमेंटम डिक्रीज, मोमेंटम आल्सो डिक्रीज। ठीक है, क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है डायरेक्टली प्रोपोर्शन जिसको नहीं समझ में आया हो? डायरेक्टली प्रोपोर्शन समझ में आया क्या? चलिए, कोई डाउट नहीं, अदिति ऋषभ सर, ओके बढ़ते हैं आगे। इसी में देखिए एक टर्म आता है और इनवर्सली प्रोपोर्शन, जो कि आपके डिफिनेशन में तो इस्तेमाल नहीं किया गया है पर होता है ना, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। इनवर्सली प्रोपोर्शन क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन देखिए, इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब यह हो जाता है कि अगर कोई चीज इंक्रीज होता है तो फिर वो दूसरा चीज डिक्रीज होने लगता है। बोलिए ऋषभ, कोई डाउट है? बोलिए ऋषभ, हैंड रेज किया है सर, वो वाला नहीं समझे सर। कौन सा सर? वो जो इससे पहले जो बताए थे, दूसरा इससे पहले क्या बताए थे, नाम याद है? इससे पहले वाले प्रोपोर्शन, इसमें से कौन सा ऋषभ? हेलो, किसकी बात कर रहे हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शन की? हेलो हेलो ऋषभ, आवाज आ रहा है? जब आवाज आएगा तो बता देना मुझे। चलिए, आवाज ही नहीं आ रहा उसको। सो आपको दिक्कत है कोई? शिवम, अदिति? नो, आवाज आ रहा है अदिति? यस सर। शिवम, शिवम आवाज आ रहा है? यस सर। ओके, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, देखिए एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब ये हो जाता है जस्ट इसका उल्टा, एक चीज बढ़ेगा दूसरा चीज घटेगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि आप सीढ़ी पर चढ़ते जा रहे हो, सीढ़ी पर चढ़ते जा रहे हो, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे जो हाइट है आपका क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा, तो एक चीज बढ़ रहा है दूसरा चीज घट रहा है ना। आपका जो जमीन से आपका हाइट है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और ऊपर से हाइट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो एक चीज बढ़ रहा है दूसरा चीज क्या हो रहा है, घट रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इनवर्सली प्रोपोर्शन, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शन को हम लोग डिनोट करते हैं कुछ, जैसे जो आपका फोर्स है, फोर्स से ही रिलेटेड अगर बात करें, या ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ ड्यू टू ग्रेविटी, That is inversely proportion to 1 by r square. इसको हम लोग क्या कहते हैं, this is denoted by, this is called as inversely proportion. This is called as inversely proportion. Inversely proportion. है ना? आप लोग fraction पढ़े होंगे maths में। एग्जाम्पल अगर आप मैथ्स में पढ़ोगे एग्जाम्पल, तो क्या हो जाता है, वन बाई टू, वन बाई टू, वन बाई फोर, वन बाई एट, वन बाई टेन। अब इनमें से सबसे बड़ा कौन है,
इनमें से सबसे बड़ा कौन है? इन चारों संख्या में से सबसे बड़ा कौन संख्या होगा? क्यों बड़ा होगा? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है, ये डिनोमिनेटर छोटा है। जैसे ही ये डिनोमिनेटर बढ़ेगा आपका नंबर क्या होता जाएगा? छोटा होते जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शन। अगर कोई नंबर होगा तो नंबर का डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो ओवरऑल नंबर क्या होगा? छोटा हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शन। हालांकि इस डिफिनेशन में इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपको ये अलग से बता दिया। ये दिस इज एक्स्ट्रा फॉर यू, एक्स्ट्रा। ठीक है, चलिए। सो वापस आते हैं डिफिनेशन पर, एक बार डिफिनेशन पर आते हैं। ऋषभ आपका क्या डाउट था? अगर आपका आवाज आ रहा है तो फिर से पूछ लीजिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शन सर नहीं समझे। डायरेक्टली प्रोपोर्शन ऋषभ वो होता है जहां पर एक चीज अगर इंक्रीज होगा, जैसे फोर्स अगर इंक्रीज होगा तो मोमेंटम भी इंक्रीज होगा। इसी को कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया था कि जैसे आप चाय में चीनी जितना डालोगे उतना ज्यादा मीठा होगा, है ना? तो एज वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ शुगर द स्वीटनेस विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज, है ना? जितना चीनी बढ़ेगा उतना मीठा होगा, जितना चीनी बढ़ेगा उतना मीठा होगा। इसका मतलब क्या कि एक क्वांटिटी बढ़ रहा है तो दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ रहा है। दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्टली प्रोपोर्शन। समझ में आया रिसर? यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट जो लाइन है, नेक्स्ट जो पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शन के बाद, वो ये है रेट ऑफ चेंज, है ना? तो जब बात करते हैं रेट ऑफ चेंज का इन फिजिक्स, वैसे तो बहुत सारे रेट ऑफ चेंज हम लोग किसी के रेस्पेक्ट में भी बना सकते हैं, लेकिन फिजिक्स के टर्म में रेट ऑफ चेंज का मतलब हो जाता है चेंज पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ चेंज का मतलब हो जाता है, है ना? रेट ऑफ चेंज दैट मीन्स चेंज चेंज पर यूनिट टाइम का मतलब क्या हो जाता है? अदिति आप समझा सकती है मुझे, what do you mean by per unit time? अदिति? Yes, sir. What do you mean by per unit time? Per unit time लेता है। हाँ। ऐसा होता है ना, पांच रुपए पर केजी। तो पर केजी का मतलब क्या हो गया? एक केजी का दाम कितना है? करेक्ट। पांच रुपया। हर केजी का दाम पांच रुपया है। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं बोल रहा हूँ कि चेंज पर यूनिट, इसका मतलब क्या हो गया कि एक यूनिट टाइम में कितना चेंज हो रहा है। इसका सिंपल भाषा में अगर बोले तो इसका मतलब क्या हो गया कि चेंज इन वन सेकेंड। यूनिट मतलब वन होता है, तो एक सेकेंड में कितना चेंज हो रहा है, डेट इज कॉल्ड एज चेंज पर यूनिट। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज। इसी को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज। तो ये वर्ड जहां भी इस्तेमाल होगा उसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि चेंज पर यूनिट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ऐसे बहुत सारे टर्म्स आपको मिलेंगे आगे फिजिक्स में जहां पर ये वर्ड बार बार इस्तेमाल किया जाएगा। व्हाट इज रेट ऑफ चेंज? रेट ऑफ चेंज का मतलब हो जाता है पर यूनिट टाइम, है ना? अगर मैथमेटिक्स के टर्म में लिखा जाए, मैथमेटिक्स के टर्म्स में लिखा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं चेंज, व्हाट एवर द चेंज डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ये हो जाएगा टोटल टाइम।
इसी को हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ चेंज। समझ में आया सबको? यहां तक समस्या है किसी को? हाँ ऋषभ बोलिए। सर पर यूनिट टाइम को हम लोग सर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। पर यूनिट टाइम को देखिए, पर यूनिट सेकंड को हम लोग सिर्फ बोलेंगे, अगर चेंज नहीं होगा तो हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसको। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन अपॉन टाइम पीरियड होता है, बट दैट इज नॉट टाइम, दैट इज टाइम पीरियड, है ना। एक सेकंड में वो कितना ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ऐसा नहीं है कि से आप 60 मिनट को 1 डिवाइडेड बाय 60 कर दिए तो वो फ्रीक्वेंसी हो गया। नहीं, 60 मिनट का रिवर्स लेना इसका मतलब ये हो जाता है कि वो 60 मिनट में पूरा कंप्लीट वन ऑसिलेशन हो जाता। जैसे ये पेंडुलम है, पेंडुलम यहां से यहां गया, यहां से स्टार्ट हुआ गिरना और ये यहां से यहां गया, फिर यहां से वापस आया, फिर यहां तक पहुंचा। तो इस पोजीशन से यहां से स्टार्ट होकर के यहां जाना और यहां से वापस आकर के यहां आना, इसका एग्जांपल पेंडुलम वॉच होगा ना। हाँ बिल्कुल, पेंडुलम वाला, कि पेंडुलम के एक्सट्रीम पोजीशन से एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन जाना और वहां से फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाना, इसमें जितना भी टाइम लगा दैट इज टाइम पीरियड, है ना। और उसके रेसिप्रोकल को, उसके वन अपॉन टाइम पीरियड को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। बेशक उसका यूनिट जो है वो है वन ओवर टाइम, बट यहां पर मैं वन ओवर टाइम में नहीं लिख रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं चेंज पर यूनिट टाइम। अब ये चेंज कुछ भी हो सकता है, यहां पर चेंज कुछ भी हो सकता है, आपका फोर्स हो सकता है, आपका मोमेंटम हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, कुछ भी चेंज हो सकता है, जो आप सोच सकते हो वो चेंज होगा। क्या मास चेंज होता है? क्या किसी ऑब्जेक्ट का मास चेंज कर सकते हैं? बताइए, बोलो बोलो। सचिन, शिवम, अदिति सर, क्वेश्चन रिपीट कीजिए। तो किसी ऑब्जेक्ट का मास चेंज होता है क्या? सर पूछ रहे हैं। यस सर। शिवम क्या क्वेश्चन? यस सर होता है। अगर मान लीजिए कि इस माउस का वजन 200 ग्राम है पृथ्वी पर, तो क्या इसका वजन हो सकता है कि 3 घंटे के बाद 200 ग्राम से कम हो जाए या ज्यादा हो जाए? सर इसका वजन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी पर ग्रेविटी है। पृथ्वी पर ग्रेविटी है इसलिए इसका वजन होता है क्या? यस सर, अगर ये स्पेस में रहेगा तो वजन जीरो हो जाएगा। वजन तो नहीं घटे, मगर उड़ेगा तो इसे हम उंगली पे भी उठा सकते हैं। वो उठा सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन कम हो जाता है सर जब स्पेस में जाता है। जो आप बोल रहे हो कि पृथ्वी पर ग्रेविटी है, उस ग्रेविटी के कारण इसका वेट होगा, ना कि मास। मास किसी भी ऑब्जेक्ट का ग्रेविटी के वजह से नहीं होता, ना वो किसी का लंबा चौड़ा या इसके वजह से होता है, नहीं। मास और चार्ज ये दो ऐसे प्रॉपर्टी हैं जो किसी ऑब्जेक्ट का एक इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, जो कि यूनिवर्स में सब जगह बराबर होता है, सब जगह कांस्टेंट होता है। अगर अर्थ पर ये 200 ग्राम का है तो ये मून पर भी 200 ग्राम का ही रहेगा, है ना। आप इसको मार्स पर भी लेके चले जाओगे तो भी ये 200 ग्राम का ही रहेगा, समझ गए। आप इसको दुनिया में कहीं भी लेके चले जाइए, किसी भी स्टेट में, किसी भी जगह पर, ये इसका मास जो होगा ये चेंज नहीं होगा, इसका मास नहीं बदलेगा। सो मास इज कांस्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, ये आप अलग से इसको आप नोट करके लिख लीजिए। देखो यही सब चीजें होती है जो कि आपके नोट्स में लिखे जाते हैं। मास इज कांस्टेंट, मास इज कांस्टेंट throughout
थ्रू आउट द यूनिवर्स, थ्रू आउट द यूनिवर्स, थ्रू आउट द यूनिवर्स का मतलब क्या हो गया कि पूरे यूनिवर्स में ये कॉन्स्टेंट होता है, थ्रू आउट द यूनिवर्स इट डज नॉट चेंज, इट डजंट चेंज. कॉन्स्टेंट का मतलब क्या हो गया कि ये चेंज नहीं होगा. अच्छा, अगर कोई चीज चेंज नहीं होगा इसका मतलब चेंज कितना हो गया, जीरो. अगर चेंज नहीं होगा तो उसको हम यही लिखेंगे ना कि चेंज इसमें जीरो होगा. हाँ ना, बोलो भाई. सो गए सर, नलायक सर, सर नेटवर्क चले जाता है, फिर से क्वेश्चन दोहराइए. मैंने बोला कि मास कांस्टेंट रहता है, पूरे दुनिया में ये चेंज नहीं होगा, पूरे यूनिवर्स में चेंज नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि ये मास कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा. अगर कांस्टेंट है तो मास में चेंज कितना होगा, जीरो होगा. इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मास कितना होगा, जीरो. समझ में आया? यस सर. रेट ऑफ चेंज ऑफ मास जीरो कहलाएगा, क्योंकि मास चेंज ही नहीं होता है. जब चेंज ही नहीं होगा तो किसी भी टाइम में ले लीजिए, आप एक घंटा में लीजिए, एक साल में लीजिए, या आने वाले 100 साल में लीजिए, जो मास है वो कांस्टेंट है. जब मास चेंज ही नहीं होगा इसका मतलब ये चेंज कितना हो गया, जीरो, है ना. yes, कुछ नहीं है, जीरो. जीरो डिवाइडेड बाई कोई भी संख्या ले लीजिए, वो हमेशा जीरो रहेगा. इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मास क्या होगा, जीरो, है ना. इसका मतलब मैं यहां पर लिख सकता हूं नोट करके, नोट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इज जीरो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इज जीरो, करेक्ट. चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. रेट ऑफ चेंज हम लोगों का हो गया, अब हम लोग डिफिनेशन पर एक बार वापस से आ जाते हैं. डिफिनेशन में और क्या क्या वर्ड्स रह गए हैं, रेट ऑफ चेंज समझ गए. अब हमारे पास वर्ड बच गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस शब्द है, आप लोग आगे भी सुनेंगे, दैट इज कॉल्ड एज मोमेंटम. मोमेंटम मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं अब, मोमेंटम शब्द, ठीक है, मोमेंटम. बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुली, एकदम मन लगा करके सुनिएगा. जिसका नेटवर्क नहीं है वो नेटवर्क में आ जाइए, पर ये चीज मत मिस करिए. मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब क्या होता है, देखिए पहले एक एग्जांपल से समझिएगा. मोमेंटम का मतलब ये हो जाता है, सिंपल अगर डिफिनेशन की बात करें तो मोमेंटम का मतलब हो जाता है मास इनटू वेलोसिटी. मोमेंटम का सिंपल मतलब हो जाता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, दैट्स इट. ये बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है, या कह सकते हो कि इसका फॉर्मूला भी है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. न्यूटन जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो आप अपने डेली लाइफ में भी करते हो, एक पत्थर उठा करके फेंकते हो जोर से, है ना, एक पत्थर उठा करके फेंकते हो जोर से, या कोशिश करिएगा करने के लिए भी. ये पत्थर फेंकने वाला नहीं, शहर में तो बिल्कुल नहीं, गांव में हो अगर खाली जगह है तो करिएगा, अदरवाइज छत पे चढ़ के पत्थर फेंके बगल वाला तुम्हारे ऊपर भी फेंक देगा, फिर हो जाएगा महायुद्ध. खाली जगह में अगर आप कोई पत्थर को फेंकते हैं, अगर पत्थर को छोटा रहा, पत्थर वो छोटा रहा और आप अपने फुल पोटेंशियल, जितना आपके पास शक्ति है, एकदम शक्ति लगा करके फेंका खूब जोर से, है? उसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो, बहुत स्पीड में जाएगा वो, लेकिन उस पत्थर के जगह पर एक ईंट फेंक के देखिए जरा, ईंट का मास ज्यादा होता है, आप फुल पोटेंशियल लगा लीजिए, एकदम दम मोशन में जाता है, धीरे से जाएगा वो, है ना.
यस सर, समझ में आया। तो कहने का मतलब यह है कि इस छोटे से पत्थर और एक छोटा एक ईंट में डिफरेंस क्या था? दोनों के बीच में डिफरेंस था सिर्फ मास का, है कि नहीं? दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था? एक मास का डिफरेंस था। छोटा पत्थर जिसका मास कम था उसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा था, लेकिन एक बड़ा सा ईंट जिसका मास ज्यादा था उसका वेलोसिटी कम था। और हमने अपना फुल पोटेंशियल लगाया था, एकदम पूरा जितना दम था सब लगा दिया था, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों को थ्रो करने के लिए, दोनों को फेंकने के लिए हमने अपना मैक्सिमम फोर्स उस पर लगा दिया था। फोर्स दोनों पर मैक्सिमम लगाया था, तो फोर्स तो दोनों पर था, फोर्स दोनों को ऊपर लगाया था और इक्वल फोर्स लगाया। एक का वेलोसिटी ज्यादा था, एक का वेलोसिटी कम था, एक का वेलोसिटी ज्यादा था, एक का वेलोसिटी कम था। तो न्यूटन ने क्या किया, इसको किया कंबाइन और बोला कि से ये जो फोर्स है ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू चेंज इन मोमेंटम, है ना? जब मास इनटू वेलोसिटी करेंगे, मास और वेलोसिटी दोनों को कंबाइंड कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो फोर्स के बराबर आ जाएगा, है ना? जितना ज्यादा मास उतना कम वेलोसिटी, जितना कम मास उतना ज्यादा वेलोसिटी। इस चीज को अगर इक्वेट कर देंगे तो उन्होंने बोला कि ये फोर्स के बराबर आ जाएगा, है ना? इसका मतलब जो आप फोर्स लगा रहे हो ये इन दोनों बातों पर डिपेंड कर रहा है कि ऑब्जेक्ट का मास कितना है और आपने उसको वेलोसिटी कितना दिया। इन दोनों बात पर डिपेंड करेगा कि आपने फोर्स कितना लगाया। हो सकता है कि आप जितना वेलोसिटी से उस ईंट को फेंके होंगे, एक हट्टा कट्टा आदमी आएगा और आपसे ज्यादा स्पीड से फेंक देगा, तो वही मास वो ज्यादा स्पीड से फेंका, इसका मतलब क्या? उसने ज्यादा फोर्स लगाया। हाँ या ना, क्या ये बात समझ में आई सबको? समझ में आया ये? ऋषभ, शिवम? यस सर। शिवम? यस सर। वेरी गुड। तो न्यूटन ने यही बात कहा था सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, सेकंड लॉ ऑफ मोशन उन्होंने यही कहा था। तो मैं बोल सकता हूं कि मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं पी से, मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है पी से, कैपिटल पी। पी इज इक्वल टू हो जाता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है? मास का यूनिट है केजी, मास का यूनिट क्या है? केजी। और वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग कह सकते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज। सर पी का फुल फॉर्म क्या है? पी बस ऐसे ही एक सिंबल बना दिया गया, ये सब लोग पी का मतलब मोमेंटम कहते हैं। तो आप भी कहिएगा मेरा मतलब जैसे न्यूटन किसी साइंटिस्ट का नाम था। ऐसा कुछ भी नहीं, बस ये बस वही है एसआई यूनिट ऑफ पी, बोले तो मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है? इसका किसी साइंटिस्ट वगैरह के नाम पर कोई यूनिट नहीं है, जो है सो ऐसे ही है। और अगर मैं बात करूं इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा, सीजीएस यूनिट इज केजी का हो जाएगा क्या? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा सीजीएस यूनिट, ठीक है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। मोमेंटम का मतलब हो जाता है पी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, एसआई यूनिट ऑफ पी इज केजी मीटर पर सेकेंड, सीजीएस में इसका हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। कल इसके ऊपर और भी एग्जांपल करेंगे और इसी को और इलेबरेटेड फॉर्म में इसको थोड़ा और डिटेल में समझाएंगे, फिर इक्वेशन भी हम लोग लिखा जाएगा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट क्लास में ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन समाप्त हो जाएगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे एंड देन प्रेशर स्टार्ट करेंगे। अदिति आपने मुझे क्वेश्चन सेंड किया था आपके बुक का, तो आप लोग अपने बुक का फोर्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर सकते हो,
आप लोग अपने बुक से फोर्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर सकते हो। प्रेशर मैंने अभी नहीं बताया है, तो प्रेशर का क्वेश्चन रहने देना, बाकी सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए, सारे क्वेश्चन कर लीजिए होमवर्क में, ठीक है। तो टिल देन कीप एंजॉयिंग, कीप स्माइलिंग, कीप रीडिंग, कोई भी डाउट हो बेझिझक पूछिए। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, हैव अ नाइस डे।